वेलसो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलॉग फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोली गई है, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई बड़ा महान कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग छोटे छोटे कामों को करना स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपर वे में, वो आगे चल के एक बड़ा कार्य बन जाएगा। तो ये जो बात है, ये आज एक आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं श्रीनिवास रामानुजम के बारे में। तो वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि वो इंसान थे जिनको वो इंसान थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, सारे सब्जेक्ट को साइड में रख दिया, बस एक सब्जेक्ट पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। और वो एक सब्जेक्ट जो उनका था, उनको इस मुकाम पर ले गया कि अपने उस टाइम के उनसे ज्यादा कोई महान पर्सनैलिटी नहीं थे, जिस ड्यूरेशन में उन्होंने अपनी ये उपलब्धि जब दुनिया के सामने निकल कर आई। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बस पूरा फोकस एक ही जगह लगा दिया, एक काम पकड़ लिया। एक तो था सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, बस इसी के अंदर घुस जाना है, इसी के अंदर जो कुछ करना है बस यही सब्जेक्ट है, और इसके अलावा मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से भी आप लोग लाइफ को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं किए और आज की डेट में रूल कर रहे हैं इस दुनिया को। तो इसलिए अगर आप लोग को लगता है कि सारी चीजें आप लोग कवर करके नहीं चल सकते, तो एक ऐसा इंटरेस्ट ढूंढिए कि यार ये एक ऐसी चीज है ना जिसको मैं सोते जागते रोते हंसते हर टाइम इस चीज को मैं एंजॉय कर सकता हूं। अगर वो इंटरेस्ट आप लोगों ने लाइफ में एक बार पकड़ लिया, तो फिर लाइफ में आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में एक पावरफुल पर्सन बनने से। तो अपना वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पकड़िए और उसके पीछे लग जाइए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बस ये करते रहना है। चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये करते रहना है। चाहे बारिश बरसात, अच्छे बुरे दिन कुछ भी आए, ये करते रहना है। वो वाली टेंडेंसी बनाकर देखिए और फिर देखिए कि आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये गुड़ा फुई चैनल जाकर मैप में निहारिए कहां पर ये लोकेटेड है, और इसके बारे में कुछ दो चार चीजें और देखेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो डे में फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट डे जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार उसको आप लोग अटेम्प्ट करें। यहां पर बात की जा रही है, यहां पर ये इथोपियन सनाई पेनुसुला, ये बोला जा रहा है कि ये ओनली पार्ट है कंट्री का जो कि एशिया के अंदर लोकेटेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला गया कि सनाई पेनिसुला जो है ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नॉर टू। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा। अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए, और ये अच्छे से अटेम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि इसकी आसपास के रीजन को भी आप लोग मैप में जाकर निहारिएगा, ठीक है। वैसे कल मैंने पूछ लिया था, आप लोगों ने निहारी लिया होगा, तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करिएगा आप लोग। तो ये है आज के प्यारे आर्टिकल जो आप लोग चक्षु खोलेंगे एक एक कर यहाँ पर आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। जो पहला आर्टिकल है यहाँ पर, ये नेपाल के बारे में बात कर रहा है, हमारे पड़ोसी देश में क्या चल रहा है। तो हल्का सा नजर डालेंगे, पता रहना चाहिए पड़ोस में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रखो पड़ोसियों में, तभी मजा आएगा जिंदगी जीने यानी कि पता होना चाहिए कि पड़ोसी जो कंट्री इसके साथ में बॉर्डर टच कर रहा है क्या चल रहा है। इसी के साथ में नेपाल के साथ में यहाँ पर जो हमारा जो साउथ इंडिया का राज्य है तमिलनाडु, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर काफी कुछ चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कल को अगर बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये चेंज कैसे हो गया, और पैटर्न थोड़ा सा समझने की कोशिश क्या कीजिए। हिस्ट्री में भी पैटर्न होते हैं, अगर उनको समझना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लाइफ के भी पैटर्न होते हैं, आप लोग खुद की लाइफ के पैटर्न समझ सकते हैं कि ऐसा करने से लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जिंदगी के भी अगर पैटर्न आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मूवी है खारा की मूवी, एक नहीं है कई सारी सीरीज आ चुकी है उसकी, जिसको बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन। देखिए आप लोगों ने फाइनल डेस्टिनेशन जो मूवी है उसमें दिखाया गया है कि आप लोग जहां पर हो वहां पर अपनी चीजों को देखने की कोशिश करो, तो आप लोगों का जो नेचर है, जो प्रकृति है आप लोगों के आसपास में, वो आप लोगों को आभास करा देगी कि आप लोगों के साथ में क्या होने वाला है। तो वो चीजें अगर आप लोग वो देखना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग अच्छे डिसीजन ले पाएंगे एक गुड लीडर की तरीके से। जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे कि स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से किया जा रहा है। तो एक हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में भी हम लोग ले लेंगे। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आप लोग अपनी पर्सनैलिटी के साथ में भी कोरिलेट इसको कर देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लाइफ में कुछ एक सही डायरेक्शन आप लोग पा सकते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, आप लोगों को याद होगा मॉर्निंग में हम लोगों ने डे भी डिस्कस किया था इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है जो इंटरनेशनल कैंपस ओपन किए जाते हैं उसके बारे में, तो उनको किस तरीके से ओपन करना चाहिए और किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये यहां पर जो आर्टिकल है डिजिटल इंडिया, किस तरीके से इंटरमीडिएटरी अपना रोल प्ले करता है डिजिटल इंडिया में, तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कार्टून है, डेटा पॉइंट क्रिकेट के बारे में है, नहीं देखेंगे। और अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है, या फिर कोई भी पीडीएफ जो भी लेक्चर आता है इस चैनल पर, तो आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर के नाम से। वीडियो के नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं।
आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने है कार्टून, काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है यहाँ पर। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कि मेरा विश्वास करो कि एमएसपी जो है वो कहीं नहीं जाएगा, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही रहेगा और जो फार्म्स लो हैं ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो इनका नाक है ये इसमें हल में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इनके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही है, तो आप लोग इसके 40 से 50 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। कल का कार्टून आप लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर ममता बनर्जी जी के मजे ले जा रहे हैं अमित शाह जी के द्वारा, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें से जो मेंबर है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है इसमें से यहाँ पर इसकी एक पत्ती निकलकर चली गई, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आगे बढ़ी जा रही है और ये पीछे अपना मजे ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूं। तो देखते हैं कि इलेक्शन जो होंगे 2021 में वो क्या इंपैक्ट दिखाएंगे, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए जो आर्टिकल है यहाँ पर ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में है। नेपाल को अगर आप लोग मैप में निहारेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी कंट्री और चाइना के बीच में एक छोटी सी कंट्री है सैंडविच के तरीके से, जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है नेपाल। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पर काफी लंबे समय से जो रूल किया जा रहा था वो रूल किया जा रहा था यहाँ पर राजाओं के द्वारा, पर लेकिन फिलहाल रिसेंटली अभी यहाँ पर 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, नया संविधान, जिसके चलते यहाँ पर मोनार्क से ये डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जो मोनार्क से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गए हैं तो लग रहा था कि अब प्रॉपर वे में चीजें आगे बढ़ पाएंगी, पर लेकिन ये प्रॉपर वे में चीजें आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, वो नहीं कहते कि आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तो वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही थी। तो इनकी जो कंडीशन थी वो एक तरीके से एक तो काफी हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से काफी अपोजिशन में थी और इसी के साथ में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिलकर जो इस अपनी ही कंट्री के अंदर जो ये मेजोरिटी में आए थे ये सोच रहे थे कि उनके भी हाथ कुछ न लगे, यानी कि अपने ही हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। तो एक तरीके से जो लालच था इनका पावर को अडप्ट करने का, अपने पास में पावर को रखने का, उसके चलते यहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ताव इन्होंने ताक पर लगा दिया, बस इनका फोकस ये था कि पावर इनके हाथ में बनी रहे। तो प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा ओली हैं इनके द्वारा रिकमेंडेशन किया गया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके फिर से यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो जो इनकी ये जो इनके द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी ये अप्रूव कर दी गई है, जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, जिसके चलते यहां पर जो एक यंग डेमोक्रेसी थी जो अभी अभी डेमोक्रेसी बनी थी कुछ साल पहले वो फिर से एक क्राइसिस में आ गई है। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा है और पॉलिटिकल टर्मोइल भी देखने को मिल रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि जो ये अभी यहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है, जो अफरा तफरी अभी यहां पर निकल कर आई है, ये किस तरीके से आगे चलकर शांत होती है। इलेक्शन जो होने वाले हैं अभी यहां पर अप्रैल के महीने में होंगे, अप्रैल मई के महीने में 2021 में, यानी कि अगले साल, तो ये यहां पर एक साल पहले इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन नॉर्मली जो होने वाले थे ये होने वाले थे उसमें 2022 में, पर लेकिन अभी यहां पर होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का कहना यह है कि जो एक तरीके से इनके द्वारा जो ये हरकतें की गई है ये सही नहीं है और इनका जो ये डिसीजन है ये चैलेंज किया जाएगा हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में, इनके अपनी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि जब 2015 में नया संविधान निकल के आ रहा है तो नए संविधान में ये बोला गया है कि देखिए अगर आप लोगों को असेंबली को डिसॉल्व करना है ना तो ये तो 5 साल पूरे होने चाहिए, ठीक है, या फिर तब होना चाहिए जब हंग असेंबली हो। हंग असेंबली यानी कि एक तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फुल मेजोरिटी में न हो, ठीक है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने की क्षमता में न हो, तो तभी आप लोग असेंबली को भंग कर सकते हैं। पर लेकिन अपना मन किया असेंबली भंग कर दी, तुमने तो असेंबली भंग कर दी, इलेक्शन कंडक्ट होंगे, अब इलेक्शन में खर्चा आएगा वो किसका होगा, पब्लिक मनी खर्च होगी वहां पर, तुम थोड़ी ना कि तुम्हारे पैसे खर्च होने वाले हैं वहां पर। तो इस तरीके से एक तरीके से पूछा जाए तो देश का जो पैसा है वो काफी ज्यादा यहां पर ह्यूज तरीके से वेस्ट रिसोर्सेज जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग अपनी मनमर्जी से उसको भंग कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिक्लेयर यहां पर जो रिकमेंडेशन सामने निकल कर आई है कि हां जिसको एक्सेप्ट किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं यहां पर इनके जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो ये चीजें यहां पर देखने वाली होगी, काफी इंटरेस्टिंग। जो केपी शर्मा ओली हैं यहां पर, जिनके द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इसके अलायंस के साथ में मिलकर इनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई, तो 2/3 मेजोरिटी के साथ में यहां पर ये पावरफुल मेजोरिटी के साथ में थे, पर लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि ये चाह रहे थे कि पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में रहे, पावर ना जरा से भी किसी और के पास में चला जाए। तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी को अपने ध्यान में रखते हुए पावर शेयर करने से रिफ्यूज कर दिया अपने अलायंस के साथ में, जिसके साथ में मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। तो ये काफी पेनफुल ट्रांजिशन जो अभी इनको देखने को मिला था, पहले यहां पर राजा रजवाड़े थे जो डेमोक्रेसी चली थी, तो फिर से यहां पर
एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या डेमोक्रेसी पचा पा रहा है नेपाल, नेपाल के लिए डेमोक्रेसी क्या यहां पर सही चल रही है, तो वो वाली सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर कंडीशन देखें तो सीरियस क्राइसिस में आ गया है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में आ गया है, और वो भी उस टाइम पर जब यहां पर इकोनॉमी और जो कोरोना वायरस जो है वो दोनों अपने चरम पर है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में और कोरोना वायरस भी अपने चरम पर चल रहा है, तो इस टाइम पर क्या ये इस तरीके का स्टेप उठाना सही था। और जब 2015 में नेपाल के द्वारा अपना संविधान लाया गया तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट देखने को मिला था वो था मधेसी कम्युनिटी। याद रखिएगा मधेसी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है नेपाल के अंदर जो मैक्सिमम इंडियन मूल से रिलेट करती है, यानी खासकर ये जो नेपाल का साउथ वाला पोर्शन है। और अगर आप लोग इसको मैप में देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में तो आप लोग देख पाएंगे हमारी कंट्री के साथ में जो नेपाल का जो एरिया टच करता है, हमारी कंट्री के साथ में कितने राज्य नेपाल को टच करते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो नेपाल को उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार 3, वेस्ट बंगाल भी टच करता है, कई सारे बच्चे भूल जाते हैं, और सिक्किम भी टच करता है। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि ये तो आप लोग याद रख लेते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, पर लेकिन वेस्ट बंगाल भी टच करता है यहां पर, वो आप लोग भूल जाते हैं। तो नेपाल के साथ में हमारी कंट्री के 5 राज्य टच करते हैं, तो खासकर उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नेपाल के साथ में कई सारे रिलेशन है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, मेरा एक फ्रेंड था उनकी जो नानी थी वो नेपाल से थी, तो बोलता था कि मेरी नानी जो है बाहर की है, मतलब फॉरेनर है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अच्छे खासे रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ में। तो इस तरीके से जो मधेसी कम्युनिटी थी वो मधेसी कम्युनिटी कई बार प्रोटेस्ट करती थी, तो नेपाल के लोग ये बोलते थे कि मधेसी कम्युनिटी जो है ये इंडिया के फेवर में काम करती है। तो इन्होंने क्या किया, जब यहां पर प्रोविंस को डिवाइड किया, प्रोविंस होता है राज्य को डिवाइड किया इन्होंने, तो इन्होंने ऐसे ना करके, अगर ऐसे करते तो पूरा एक राज्य जो था वो पूरा मधेसी कम्युनिटी का होता, मेजोरिटी में इनकी पावर होती हमेशा गवर्नमेंट में, इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से, यानी कि इनको कई सारे राज्य में मधेसी कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, जिसके चलते किसी भी राज्य में मेजोरिटी में नहीं रहेंगे, दबकर रह जाएंगे वहां पर। तो इसके चलते काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी यहां पर देखने को मिला था। तो ये कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो पास्ट में जो अभी नेपाल का जो बीरबल की खिचड़ी वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो बंद हो गया, पर लेकिन रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और ये वही है जो अभी यहां पर इनके द्वारा, यहां पर जो नेपाल के साथ में मिलकर चाइना के द्वारा अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट जो नापी गई है 8,848 मीटर थी, इंडिया के द्वारा नापी गई थी, तो चाइना वालों ने इसमें 86 और ऐड कर दिया, तो आज की डेट में 8,848.86 मीटर हो गई है माउंट एवरेस्ट की हाइट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल के अंदर हिमालयन रीजन में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, हमारी कंट्री में जब नेपाल की ये चोटी नापी गई थी तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके काम करती है इस तरीके से चोटी वगैरह नापने का, किसके द्वारा ये नापी गई थी हमारी कंट्री में, तो ये आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और किस ईयर में इसको नापा गया था, ये है क्वेश्चन। बता चुका हूं आप लोग कई बार, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। तो ये श्रीनिवास रामानुजन साहब जो थे ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे हमारी कंट्री के, और इनका जो जन्म था वो आज ही के दिन था 22 दिसंबर 1887 में, तो इसलिए आज इनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इनका जो काम था वो काफी डाइवर्स, ओरिजिनल और टाइम से परे था, यानी कि आज की डेट में भी हम लोग आज की डेट में भी इनकी जो इक्वेशंस है जो उस टाइम पर ये लिखकर चले गए उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और हम नहीं पूरा दुनिया इनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो इस तरीके की जो स्टडी इनके द्वारा की गई, किस तरीके से यहां पर इनके द्वारा ये इस तरीके का स्टडी पैटर्न बैठाया गया कि कई सारे जो फॉर्मूले इनके द्वारा लिख दिए गए आज के डेट में उनको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर बात करें कि ए इज इक्वल टू बी है तो इसको प्रूफ करना है, पहले आप लोग घुमाकर लेकर आएंगे कि ए ये बी ए सी ए, हेंस प्रूफ ए इज इक्वल टू बी, तो इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया ए इज इक्वल टू बी। वो प्रूफ कैसे हुआ है उसको आज के डेट में भी बहुत सारे लोग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके चलते ये बार बार कई बार आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में भी न्यूज में रहते हैं। और कंडीशन क्या थी, आप लोग बोलते हैं ना कि अच्छा घर मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेगी बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ, तब जाकर आप लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मैक्सिमम इंसान अगर कुछ बड़ा करके जाते हैं वो अपनी बुरी हालात के चलते ही बड़ा करके जाते हैं। जब दुनिया भर की लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना तब इंसान जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, तब उसको लगता है कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। अगर मां बाप जो है अपने बच्चों को सारे कंफर्ट जोन प्रोवाइड करा देते हैं वो बच्चे शायद ही कुछ कर पाते हैं लाइफ में अच्छा, पर लेकिन जिनकी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर कुछ बच्चा बड़ा कुछ करेगा तो वही बच्चा करेगा जिसको लग रहा है कि जिंदगी ऐसे नहीं जी जाएगी भैया, ऐसे तो बिल्कुल बदतर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है
तो आप लोग भी अपने आप को श्रीनिवास रामानुजम जी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ये आज की डेट में भी अगर मैथमेटिकल जो कम्युनिटी है उनके बारे में बात करें, उनको सरप्राइज करते हैं जिस तरीके से ये काम करके गए, ठीक है। तो ये आज की डेट में लगभग अगर टाइम देखें, इनका जो जन्म हुआ था ये 1887 में हुआ था, और आज की डेट में क्या इनके मरने के बाद भी आज की डेट में जो चीजें हैं वो इस तरीके से चल रही हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखकर चले गए, क्या चीजें, कुछ तो प्रूफ कर पा रहे हैं पर कुछ आज भी डेट में भी चीजें ऐसी ही चल रही है। तो इनकी जो फाइंडिंग्स है, जो इनके द्वारा रिसर्च की गई, जो इनके द्वारा एंटिसिपेट की गई उस टाइम पर चीजें, वो काफी लंबे समय तक इनके ऊपर स्टडी की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग जो काम थी इनकी, ये थी यहां पर ऑटोडाइडेक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट टोट पर्सन। आज के डेट में ऐसा पर्सन कौन है, आज के डेट में अगर ऐसा पर्सन का उदाहरण मैं आप लोगों को देने को बोलूं तो वो है इलोन मस्क। यानी कि अपने आप ही चीजों को सीख लेना, अपने आप ही चीजों के साथ में लगे रहना कि आज का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लगेगा। जो पर्सन इस तरीके की कैटेगरी डेवलप कर लेता है वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। यानी कि वो बोले कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सारे काम मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अपनी चीजों को अपने आप कर लेगा, अपने आप संभाल लेगा पर्सन, तो उस तरीके के पर्सन थे। और ये प्योर एक मैथमेटिक्स में अपने आप को लेकर चलना चाहते थे क्योंकि इसमें इनका पूरा इंटरेस्ट था, तो इसलिए इन्होंने कंप्लीटली अपने आप को मैथमेटिक्स के फील्ड में अपने आप को इन्होंने खपा दिया। मैथमेटिक्स के फील्ड में जो इन्होंने अपने आप को डाला, तो ये एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली साइड में रख दिए। यानी कि आज के डेट में मैं आप लोगों को बोलूं बस करंट अफेयर लेके चलना है, बाकी ना तो ज्योग्राफी पढ़नी है, ना हिस्ट्री पढ़नी है, ना पॉलिटी पढ़नी है। आप लोग बोलोगे सर दिमाग खराब हो जाएगा, फेल करवा के मानोगे आप तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड अपनी स्टडी कर रहे हैं, पर लेकिन ये बंदा जो था इसने कभी एग्जाम पर फोकस ही नहीं दिया। इसका जो फोकस था बस ऐसा था कि कुछ चीजें पढ़नी है तो उनको जानना है अच्छे से कि ये क्या है, और वो एक फील्ड में अच्छे से अपने आप को लेकर चलना है। इनके द्वारा अपनी जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स है उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया, अपनी एजुकेशन भी इनके द्वारा आधे में ही छोड़ दी गई है। 1908 में अगर देखें, इनके द्वारा अपनी जो पढ़ाई थी छोड़ छाड़ कर पूरा ये मैथमेटिक्स के ऊपर जुड़ गए, ठीक है। ये इसके द्वारा जो भी यहां पर काम किया गया उस टाइम पर, फिर पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा जो रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया मैथमेटिक्स के ऊपर, पर लेकिन दूसरी चीजें सारी छोड़ दी। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे गरीबी के साथ में भी 1910 के एयरफेयर में। आप लोग ये देखिएगा 1908-1910 की बात की जा रही है, और 5-6 साल के अंदर अंदर इंसान जो है वो कहां पहुंच जाएगा ये देखना। इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर काम किया गया, जिस तरीके से आज की डेट में आप लोग देखते हैं अगर आप लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई आप लोग ही हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, तो इनकी भी हेल्प की गई यहां पर। ये थे यहां पर रामचंद्रन राव, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिनके द्वारा इनकी हेल्प की गई, जिसके द्वारा इनकी हेल्प की गई, उसके चलते आज के में इनकी लाइफ जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए लाइफ में अगर कहीं भी आप लोगों को मौका मिलता है ना, कोई ब्राइट स्टूडेंट आप लोगों को दिखे कुछ करना चाहता है, एक तो है कि निठल्ला है कुछ करना नहीं चाह रहा है, एक है कोई ब्राइट स्टूडेंट कुछ करना चाह रहा है पर लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, कभी भी उसकी हेल्प करने से पीछे मत हटिएगा। हो सकता है कि आप लोग किसी दूसरे रामानुजम को जन्म दे दें। यानी कि एक तरीके से सोचिए अगर यहां पर इस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है इसकी हेल्प ना करते यहां पर उस टाइम पर, तो ये जो पर्सनैलिटी थी हम इनके बारे में आज की डेट में न पढ़ रहे होते। तो इनको जो भी जो मंथली अलाउंस जो थे यहां पर, इनको जो भी इनको जो खर्चा था इस टाइम पर इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया, तो इसके चलते अपनी रिसर्च को आगे लेकर चल पड़े, और कपल ऑफ इयर्स के अंदर ही इन्होंने पूरा रिजल्ट यहां पर दिखाया। आगे चलकर ये क्लर्क की भी जॉब की इन्होंने, वो पता नहीं कैसे कैसे यहां पर ये मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के अंदर ये क्लर्क की जॉब इन्होंने करना स्टार्ट की, पर लेकिन इन्होंने अपॉर्चुनिटी को साथ में रखते हुए ये उस टाइम के जो एक काफी महान मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उनके कॉन्टेक्ट में आए, जिनका नाम था जीएच हार्डी के साथ में जैसे इनके द्वारा कॉन्टेक्ट किया गया, तो 1914 में इनको इंग्लैंड बुला लिया गया। समझ रहे हैं आप लोग, 1910 में ये स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, उस टाइम पर इनकी हेल्प की जा रही थी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। ओनली 4 साल के अंदर अंदर ये पर्सन जो है कहां पर पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए अपनी कैपेबिलिटी के बेस पर। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस टाइम पर जब इनके द्वारा काम किया गया हार्डी के साथ मिलकर, तो काफी प्रोडक्टिव इनकी रिसर्च रही। लगभग 20 के करीब जो इनके रिसर्च पेपर हैं ये इनके पब्लिश किए गए 1914 से लेकर 1919 तक, और इसी के साथ में इनको अवार्ड किया गया डॉक्टरेट की उपाधि, और यहां पर रॉयल सोसाइटी के ये मेंबर भी बन गए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया था जिसमें काफी एक तरीके से आप नहीं बोलते अपने फील्ड के महान जो लोग थे वो यहां पर इसमें इसके साथ में कनेक्ट रहते थे। उसके बाद में जब ये 1919 में इंडिया के अंदर आए, तो एक तरीके से जो इनका स्वागत किया गया और जिस तरीके से ये यहां पर लग रहे थे, जो लाइफ इंजॉय कर रहे थे, शायद ही कोई और रेपुटेशन इतनी इंजॉय कर रहा था उस टाइम पर इंडिया के अंदर जितनी ये इंजॉय कर रहे थे। हालांकि आगे चलकर इनको बीमारी भी हुई और काफी लंबे समय तक एक अनफॉर्चुनेट जो डिजीज इनको लगी तो उसकी वजह से जूझते रहे। पर लेकिन अगर बात करें जब यहां पर इनके द्वारा अंटिल ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड 1914 तक, यानी कि 1914 तक, तो इनके द्वारा दुनिया भर के जो मैथमेटिकल जो एक तरीके से इक्वेशंस हैं वो अपनी नोटबुक में इनके द्वारा लिखी गई। यानी कि ऐसा आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में, मान लीजिए मैं आज की डेट में कोई डायरी लिखना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, और वो जो डायरी है उसमें पता नहीं जो मेरे मन में आता रहता है कुछ ऐसी चीजें लिख के चला जाऊं, और बाद में जब मैं यहां से निकल लूं, यानी कि उन्हें कहते हैं
थ्री इडियट मूवी का गाना सुना होगा कि एक जॉनसन है वो आमिर खान के ऊपर फिल्माया जाता है, बहती हवा सा था वो, ठीक है। तो वो बहती हवा से थे यहाँ पर रामन उजम साहब, तो आज की डेट में भी इनको याद किया जाता है। आज की डेट में उस टाइम पर इनके द्वारा जो चीजें लिखी गई थी वो आज की डेट में इनकी जो नोटबुक में बहुत सारी चीजें प्रिजर्व आज की डेट में भी रखी हुई हैं। तो रामानुजम जो है एक तरीके से जो इनके द्वारा जो चीजें ऐड की गई हैं उनके साथ में लगभग 4,000 के करीब रिजल्ट आज की डेट में भी है जिनको प्रूफ करना बाकी है। यानी कि टोटल कुछ तो ये पहले लिखे गए लगभग 3 नोटबुक तो और एक नोटबुक इनके बाद में ऐड की गई, तो टोटल मिलाकर 4,000 के करीब ऐसे रिजल्ट हैं जिनके ऊपर आज की डेट में भी स्टडी की जा रही है कि ये है क्या, इनको समझने की कोशिश की जा रही है। रामानुजम साहब जो है उनके कोई प्रॉपर जो प्रूफ नहीं थे उनमें इनके द्वारा कोई भी इस तरीके से मतलब एक तरीके से फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फ्यूचर जनरेशन जो उनके ऊपर काम कर रही है, इनका जो काम किया गया वो एक ऐसा काम था जो आज के डेट में अलग अलग साइंटिफिक एरिया में यूज किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। नंबर थ्योरी दी गई, इन्फिनिट जो सीरीज थी उसके ऊपर एनालिसिस किया गया, इसी के साथ में जो कैलकुलस आज के दिन में आप लोग पढ़ते हैं ना कई सारों का जो कैलकुलस जो है सर में दर्द करता है। अच्छा मैथमेटिक्स में कैलकुलस वगैरह किसको पसंद आता था जो कि यहां पर आगे चलकर जिसने पढ़ा आगे चलकर 12th वगैरह में, तो ये काफी इसके द्वारा जो थ्योरी थी यहां पर कैलकुलस की वो इन्हीं के द्वारा यहां पर रखी गई। इसी के द्वारा यहां पर अगर बात करें आगे चलकर जो कई सारे एरिया में जो प्योर मैथमेटिक्स है कई सारे एरिया में वहां भी कई सारे काम इनके द्वारा किए गए। जैसे बात करें यहां पर ये है मल्टीपल फॉर्मूले इनके द्वारा दिए गए जैसे कि पाई से रिलेटेड पाई की कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो इनके ऊपर काफी द्वारा काम किया गया। जो आज के डेट में आप लोग अगर बात करते हैं पार्टीशन फ्रैक्शन की, जैसे कि अगर 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं इंटीजर के तरीके से लिख सकते हैं जो कि आप लोग डेसिमल में नहीं लिखते हैं 1+1+1+1, ठीक है। इसी के साथ में 4 को आप लोग 1+3 लिख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इनके द्वारा इंटीजर भी यहां पर दिए गए, आप लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज ना करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में इनके द्वारा मॉड्यूलर फॉर्म और इसी के साथ में यहां पर हाइपोजियोमेट्री जो सीरीज है ये भी इनके द्वारा यहां पर दी गई जिसके काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा फॉर्मूले प्रेजेंट किए गए। तो इनका जो काम है वो आज की डेट में भी यानी कि अब भी और आगे भी आने वाली जो जनरेशन है वो उसके ऊपर काम करती रहेगी। रामानुजम जी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर जो बात करें इनके बारे में अगर प्रॉपर वे में रामानुजम कंजेक्चर जो रामानुजम जी के जो अनुमान उस टाइम पर लगाए गए थे पब्लिश किए गए थे 1916 में 1993 में पियर डेलाइन ये एक मैथमेटिशियन थे जिनको आगे चलकर नोबेल प्राइज मिला, तो इन्होंने उनको प्रूफ किया यानी कि इनके द्वारा जो इक्वेशन दी गई थी उनको प्रूफ कर करके लोग नोबेल प्राइज जीत रहे हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इनकी स्टडी की वेटेज क्या थी। आज की डेट में जो इनके द्वारा मॉक थेटा का जो फंक्शन दिया गया था इनके द्वारा जो एप्लीकेशन उसका ब्लैक होल के ऊपर जो स्टडी की जा रही है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर वहां पर उसका यूज किया जा रहा है आज के डेट में जो इनके द्वारा जो स्टडी की गई थी। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्लैक होल की थ्योरी के ऊपर हम लोग आज के डेट में अटके हुए हैं उसके बारे में बहुत पहले इनके द्वारा अनुमान लगा लिया गया था। तो कहने का मतलब यह कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है अपनी जिंदगी का हर एक दिन हर एक घंटा अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से लगा देता है अपनी पूरी जवानी ऐसे खपा देता है अपने आप को इतना इंडल्ज कर लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही तरीके की इनक्रेडिबल जो पावर है वो डेवलप हो जाती है। यानी कि एक तरीके से ऐसी पावर डेवलप हो जाती है कि उसके इंट्यूशन जो है इनसाइट जो है यानी कि उसका अंतर्ज्ञान जो उसकी अंतर्दृष्टि है वो फ्यूचर की चीजें भी देखना स्टार्ट कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा पहले टाइम पर हमारी कंट्री में बहुत सारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो जंगलों में जाकर बैठा करते थे तो उनकी जो इंट्यूशन है उनका जो अंतर्ज्ञान है वो ये बता देता था कि अपनी पृथ्वी से जो एक तरीके से अगर बात करें ऊपर चांद की दूरी कितनी है ठीक है सूरज की दूरी अप्रोक्सीमेट कितनी हो सकती है। तो ये एक तरीके से उनका इंट्यूशन एक तरीके से इतना लार्ज स्केल पर उनका फेल जाता था उनकी इनक्रेडिबल एक पावर आ जाती थी जिसके चलते वो ऐसी चीजें भी पता लगा पाते थे ऐसी चीजों के बारे में सोच पाते थे जिनको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। वो नहीं कहते कि यार ये कहां से आ गया इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। तो ये वो इंसान है जो अपने आप को किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतना ज्यादा खपा देते हैं कि हाँ बस यही है इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर इस तरीके की पावर डेवलप हो जाती है। तो वो इनके अंदर डेवलप हो चुकी थी। आज की डेट में 133वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग इनकी एक सेलिब्रेट करें तो जो मैथमेटिक्स जो है आज के डेट में मैथमेटिक्स जो डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो आज की डेट में 133वीं बर्थ एनिवर्सरी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ में कुंभकोणम ये यहां पर इनका जो तमिलनाडु के अंदर घर था यहां पर उसको जो सस्त्रा यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया एज ए म्यूजियम ठीक है सस्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा एज ए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए आप लोगों ने थ्रेड में कहता ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो अरे जॉब तो आप लोगों को नौकरी वगैरह सक्सेस तो झकमार के पीछे आएगी तो एक्सीलेंस के पीछे भागो जिस फील्ड में आप लोग एक्सीलेंस लेना चाहते हैं सब चीजों में अपने पैर मत रखिए। आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लीजिए एक बार अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने पहले क्या किया क्लर्क की जॉब पकड़ ली एक छोटी सी जॉब थी पर लेकिन इन्होंने वो अपने खर्चे के लिए पकड़ी थी। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि कोई जॉब इस तरीके से होती है वो आप लोगों को नहीं पकड़नी चाहिए। आप लोग ऐसी जॉब पकड़ सकते हैं
अगर आप लोग आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं उस तरीके से कि नहीं यार बस अपना खर्चा निकलता रहे, घर वालों से पैसा लेना बंद कर दे और घर वालों को थोड़ा सहारा मिल जाए, उसके बाद में तो जिंदगी जो है वो अपने तरीके से जीनी है। जॉब निकाल कर छोड़ना ये जिंदगी नहीं होती है, वहां से जिंदगी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ, आई होप कि कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आइए अब आप लोगों को तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पैट्रियार्की या मैट्रियार्की की बात की जा रही है, यानी कि पुरुष प्रधान या फिर महिला प्रधान जो राज्य है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है हमारी कंट्री का जो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में आप लोगों को नजर आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मॉर्निंग में भी कि कर्नाटक और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों साइड में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु को केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीन राज्य टच करते हैं और तमिलनाडु में पौंडीचेरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पौंडीचेरी के दो डिस्ट्रिक्ट, पौंडीचेरी और कराईकल पुडुचेरी, ये दोनों तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे पुडुचेरी के चार डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, एक केरला के अंदर है जिसको आप लोग मेह बोलते हैं, एक है यहां पर यनम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, एक हो गया पौंडीचेरी और दूसरा हो गया कराईकल पुडुचेरी। तो टोटल चार डिस्ट्रिक्ट में से दो डिस्ट्रिक्ट पौंडीचेरी के तमिलनाडु के अंदर है। ये तो हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं यहां पर कुछ तमिलनाडु के अंदर क्या चल रहा है। तमिलनाडु के अंदर एक लीडर थी जिनका नाम था जयललिता जी। 1989 से लेके 2016 तक का इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो काफी शानदार रहा। एक तरीके से जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनित्रा का जगम, ठीक है तो नाम थोड़ा अटपटा सा है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनित्रा कजगम, इसी के साथ में द्रविड़ा मुनित्रा कजगम, तो दो पॉलिटिकल पार्टी यहां पर, AIADMK और दूसरा बोलते हैं DMK। तो यहां पर जयललिता जी और यहां पर करुणानिधि जी, दो इतनी शानदार पर्सनैलिटी थी जब तक ये अपने टाइम ड्यूरेशन में रहे, तो एक काफी अच्छा एक पॉलिटिक्स वहां पर देखने को मिली और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी काफी कुछ काम किया गया। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखिए जिस तरीके से पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जयललिता जी भी चली गई और करुणानिधि जी भी चले गए। अब इसके बाद में क्या होगा यहां पर, जब 2021 में इलेक्शन होने वाले हैं तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर सामने निकल कर आने वाली है, तो उसका एनालिसिस किया गया है। अगर बात करें AIADMK के बारे में यानी कि जयललिता जी की पार्टी के बारे में, तो ये काफी करिश्मेटिक जो लीडर थे यहां पर जिनका नाम था MG रामचंद्रन, ठीक है, इसी के साथ में जयललिता जी, तो इनकी लीडरशिप में काफी शानदार तरीके से इनके द्वारा अपनी पावर जो थी वो रखी गई। पर लेकिन इनके द्वारा कोई अपना सक्सेसर तैयार नहीं किया गया, यानी कि अगर कल को मैं चला जाता हूं तो मेरे बाद कौन, तो वो इनके द्वारा नहीं यहां पर कोई तैयार किया गया। जबकि डीएमके के द्वारा यहां पर जो इनके बेटे थे स्टालिन उनके ऊपर फोकस किया गया, तो इसलिए आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी डीएमके है आज की डेट में साउथ इंडिया के अंदर वो ज्यादा तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एज कंपेयर टू AIADMK, क्योंकि AIADMK का जो फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। एक तो डीएमके जो है वो एथनिक और पॉपुलिस्ट जो ओरिएंटेशन उनका था, इसी के साथ में जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करें तो करुणानिधि जी के द्वारा इनका जो बेटा था MK स्टालिन उनको अपने सक्सेसर के तरीके से तैयार किया ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ किया जा सके। पर देखने वाली बात यहां पर यह है कि जो दोनों पार्टी है वो द्रविड़ियन मूवमेंट के बेस पर यहां पर निकलकर सामने आई, जिसमें नॉन ब्राह्मण जो साउथ इंडियन थे, ठीक है, उनको एक तरीके से प्रेजेंट किया गया, क्योंकि उस टाइम पर जो साउथ इंडिया में अगर चलें तो ब्राह्मण जो साउथ इंडियन थे वो काफी लार्ज स्केल पर सोसाइटी में डोमिनेट करते थे, तो उसको वहां से निकालने के लिए एक द्रविड़ियन मूवमेंट यहां पर चलाया गया। और ये जो द्रविड़ियन मूवमेंट था ये बेसिकली तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए था यहां पर, ताकि उनकी जो एक तरीके से एथनिसिटी है, एक तरीके से उनका जो रहने का उनकी कल्चर का जो तरीका है उसको आगे लेकर चल सके। तो ये यहां से पार्टियां निकल कर आई, तो अब इसको कैसे आगे लेकर चला जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो AIADMK है वो तो डिक्लाइन हो चुकी है, पर लेकिन और भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ इंडिया से जैसे BJP है वो भी एंट्री करने की कोशिश कर रही है। आगे चलकर क्या होगा यहां पर, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी काम करेंगी, क्योंकि मल्टी एथनिक और इसी के साथ में जो एथनिक पॉलिटिकल पार्टी जो मूवमेंट है वो काफी लार्ज स्केल पर जो पहले यहां पर देखने को मिले थे, अब वो ग्रोथ जो है वो उस लेवल पर आप लोग एक अलग पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा पहले कंपेयर में, तो अब वहां पर एक गैप बन गया है कहने का ये कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा, तो गैप कौन फुलफिल यहां पर करने वाला है तो ये आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, कुछ हल्का सा तो देखिए आइडिया होना चाहिए क्या चल रहा है। ठीक है, ये ना सोच ले कि कोई आप लोगों से पूछे कि क्या चल रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, एक्सपीरियंस ऑफ द अदर कंट्रीज कुड ऑफर आइडिया टू इंडिया एज ए कंसिडर स्टेब्लिशिंग, जो एक तरीके से स्टेबलाइज करना है इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस। इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस क्या है, IBC बोला जाएगा पूरे लेक्चर के अंदर इसको, IBC यानी कि इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस। अगर कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में अपनी जो यूनिवर्सिटी है कोई बाहर की उसका एक कैंपस एस्टेब्लिश करना चाहती है तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस। हमारी कंट्री की भी अगर कोई पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है वो बाहर चलकर अपना कैंपस अगर एस्टेब्लिश करना चाहती है तो उस कंट्री के लिए उसको बोला जाएगा इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस। तो हमारी कंट्री में क्या इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसे सीख सकते हैं और हम भी अपनी कंट्री में
को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, यह बोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो क्या क्या बोला जा रहा है उसको समझ लेते हैं। पहले जो यहां पर फोकस दिया गया, यहां पर यह पर्टिकुलर एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहां से लेसन लेने की बात की जा रही है, लेसन फ्रॉम मोनास। मोनास क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहां पर लिखा भी है। मोनास जो है ये यूनिवर्सिटी है, एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी बेस्ड इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो इसके आज की डेट में साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोगों को यहां पर आईबीसी देखने को मिलेंगे। तो इंटरनेशनल जो ये कैंपस है ये साउथ अफ्रीका के अंदर कैसे काम कर रहा है तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में एक नया एक्सपेरिमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांच ऑफ कैंपस को। ये बात जो की जा रही है हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लेकर आए गए 2020 में, तो हमारी कंट्री की तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में 1968 में लाई गई थी, दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में 1986 में लाई गई थी। 68 को अलग कर दो 86 हो जाएगा, 8 इधर 6 इधर, ठीक है। तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लाई गई ये 2020 में लाई गई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री में लाई गई है ये बेसिकली इसका फंडा ये है कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन को उस पैटर्न पर हम लोग आगे लेकर चल सके जिस पैटर्न पर आने वाली जनरेशन है जो होनी चाहिए, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। इसी के चलते बोला गया कि टॉप 100 जो कैटेगरी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, तो इंडिया की भी रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटीज के अंडर होनी चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है यहां पर इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन यहां पर किया जाना है हालांकि, तो देखते हैं काफी सारी जो रिकमेंडेशन दी गई है वो कैसे आगे काम करेगी। पर लेकिन एक जो फोकस दिया जाना है, जो एडुकेट फोकस यहां पर होना चाहिए, वो बात की जा रही है इंटरनेशनल कैंपस ब्रांच के बारे में, इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस आईबीसी। तो इसके ऊपर क्या फोकस दिया जाना है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक तरीके से फॉरेन जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कोई, उनका जो अगर कोई ब्रांच यहां पर ला सकते हैं अपनी कंट्री की कोई यहां पर स्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि डिग्री और डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराए एजुकेशन के फील्ड में, तो उसको नॉर्मली आईबीसी बोला जाता है। इसके बारे में अगर इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने की बात की जाए, अगर जनरल परसेप्शन देखें हमारी कंट्री का, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी कंट्री में क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो हमारी कंट्री में पैटर्न फॉलो किया जाता है कि भैया यूएसए से अगर कोई आता है यहां पर हमारी कंट्री में इंटरनेशनल जो ब्रांच कैंपस स्टेब्लिश करने के लिए, तो होस्ट कंट्री जो है उसको एक तरीके से बोल देगी कि ठीक है आप लोग एस्टेब्लिश कर लो, पर लेकिन अपने खर्चे पर एस्टेब्लिश करो, हम लोग यहां पर ज्यादा हेल्प करेंगे नहीं तुम्हारी, यानी कि अपना जो बेसिकली जो फंड वगैरह है जो आप लोगों का मॉडल है वो सेल्फ फंडेड मॉडल आप लोगों का होगा, हम आप लोगों को बस यहां पर अलाउ कर सकते हैं। तो मेजर सपोर्ट जो है यहां पर कोई हम लोग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आप लोग आओ एंजॉय करो अपना कंट्री में जिस तरीके से आप लोग चीजों को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं आईबीसी के लिए, एक तरीके से फुल्ली और पार्शियली फंडेड गवर्नमेंट भी यहां पर होस्ट कर सकती है। उससे क्या रहेगा कि आपका भी उसमें कुछ ना कुछ बोलबाला रहेगा, अपने हिसाब से सारा काम नहीं करेंगे, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की हैसियत इतनी नहीं है, आप लोगों की जो कमर टूट चुकी है, पैसे नहीं है, तो प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग सपोर्ट करा सकते हैं यहां पर, ठीक है, उस तरीके से ले सकते हैं। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो एक तरीके से एज ए हब और जोन के मॉडल के तरीके से आप लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, फंक्शन कोलैबोरेशन में कर सकते हैं लोकल किसी पार्टनर के साथ में। तो बिल्कुल सामने वाले को पूरी छूट मत दो कि आओ दंगल खेलो, अपने हिसाब से एस्टेब्लिश कर लो, आप भी उसमें अपना कोई पार्ट रखो ताकि आप भी कुछ बोल सको कल को, वरना कल को ये बोलेंगे आपने किया ही क्या है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यानी कि आप लोग कुछ कर लो वरना कल को बच्चे पैदा होकर बोलेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इतना तो कर लेना चाहिए कि बच्चों को लगे कि हाँ पेरेंट्स ने बहुत कुछ रखा है और बच्चे मोटिवेट हो सके आपसे। तो इसके चलते जो मैनी सक्सेस स्टोरीज हैं यहां पर सामने जो कि आज के डेट में हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर लेकिन फेलियर स्टोरीज भी हैं उसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो सक्सेस और फेलियर, जैसे चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया था ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो वही बातें यहां पर बोली गई है। दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं अगर आप भी वही गलतियां करते चलोगे तो फिर दूसरों में आप में क्या फायदा रह गया। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन बल्ब बनाकर चला गया, उसने 1000 बार फेलियर देखा तब जाकर बल्ब बना, आप लोग बोले मैं भी 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाऊंगा तो ये कोई समझदारी थोड़ी ना है। अरे कुछ और बना लो यार आगे चलकर, बल्ब को छोड़ दो अब ट्यूबलाइट बना लो, ट्यूबलाइट को छोड़ो सीएफएल बना लो, सीएफएल को छोड़ कुछ और बना लो, तो ये आगे बढ़ेंगे तभी तो होगा चीजें। पता चला 1000 बार फेल होकर आ रहे हैं सारे बल्ब बनाने के लिए, तो ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। तो यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के में 300 के करीब जो इंटरनेशनल ये आईबीसी काम कर रहे हैं जो कि लगभग 80 कंट्री के हैं अराउंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा अगर माने यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया मैक्सिमम इनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। और कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, चाइना, मलेशिया, कतर, सिंगापुर, इनमें यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये होस्ट कंट्री है, ऑपरेट किए जा रहे हैं उनके द्वारा और ऑपरेट हो रहे हैं इनके द्वारा इन कंट्रीज में। इंडिया के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके भी आईबीसी कई सारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अगर बात करें यहां पर मॉरिशस हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, सिंगापुर हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल भी है, ठीक है, श्रीलंका भी है, तो हमारी कंट्री के भी आईबीसी यहां पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर इमेज को लेकर चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो ब्रांच है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में
लगभग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, तो उसका ड्यूअल ट्रैक अप्रोच देखने को मिला। आईबीसी जो यहां पर जो प्री एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन सिस्टम पैरेलल में यहां पर लेकर चल रहा है, यानी कि एक तरीके से एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरीके से यहां पर काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पर वो परमिट करता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो ऑपरेट कर सकती है एज ए प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, लीगली रजिस्टर किया जाता है उसको एज ए कंपनी। और इसी के साथ में जो आईबीसी है इन साउथ अफ्रीका, वो एक यूनिवर्सिटी का टैग नहीं मिलता है उनको, पर लेकिन डिग्री और डिप्लोमा दोनों देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर जो मोनास है, ये जो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न के अंदर रिसर्च सेंटर है, ये अफ्रीका के अंदर इसको बोला गया मोनास साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ऑपरेट कर रहे हैं और रजिस्टर किया गया था 2001 में। तो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है, तो आप भी यहां पर इनसे सीख सकते हैं, ठीक है, जिसके चलते आप लोग चीजें आगे लेकर चल सकते हैं। तो जो यहां पर मोनास यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका है उसका जो एक्सपीरियंस है, एक तरीके से पब्लिक नेचर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये मेन नोट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर ब्रांच जो है वो प्राइवेट की तरीके से यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, जैसे बोला ना कि प्राइवेट एंटिटी के तौर पर, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। टॉप 100 आज के डेट में अगर बात करें, जो इवन द अमंग टॉप 100 जो आज के डेट में बिकेम लोकल प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, वो मर्जर एक्विजिशन के थ्रू भी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। और समानता देनी पड़ेगी आप लोगों, जो क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं कैंपस के अंदर क्या क्या और होम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, डोमेस्टिक मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोर्स किस तरीके से क्या डिपेंडेंसी और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कंप्लीटली सामने वाले को ये ना बोलो कि आजा यार एस्टेब्लिश कर ले और अपने हिसाब से काम करो निकल, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आप लोगों को भी उसके अंदर थोड़ा सा तो इंटरफेयर करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, कई सारे लिमिटेशन भी है, जो लिमिटेशन है उनको आप लोगों को समझना पड़ेगा, कैसे जो गैप है आज के डेट में खासकर जो ऑब्जेक्टिव है और जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन होता है, यानी कि टाइम टेबल तो बना लिया पूरा 16 घंटे का और पढ़ा नहीं जा रहा है उसमें 16 मिनट भी, तो ये एक तरीके से सोचने में और इंप्लीमेंट करने में धरती आसमान का फर्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक आइडिया एक इंसान को बड़ा बनाता है, नहीं, ये गलत सेंटेंस है, एक आइडिया जिसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो इंसान को बड़ा बनाता है, यानी कि जब तक आइडिया आइडिया है दुनिया भर के आइडिया आप लोगों के दिमाग में आते हैं, पर लेकिन वो आते हैं और गायब हो जाते हैं। इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो इंसान को बड़ा बनाता है, पर लेकिन अगर सोचने में और इंप्लीमेंटेशन में अगर गैप है तो फिर चीजें दिक्कत में पड़ जाती हैं। तो इनको आप लोगों को रिव्यू करना पड़ेगा, क्या क्या डिफरेंट जो नेशनल कॉन्टेक्स्ट है उनको लेकर चलना पड़ेगा, और उसी के बेस पर आप लोग पॉलिसी फॉर्मेशन का प्रोसीजर अपनी कंट्री में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अपनी कंट्री के जो आईबीसी है बाहर और बाहर के आईबीसी है अपनी कंट्री में, वो उनको इंप्लीमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो इतना कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होगा, ठीक है। अगर है तो फिर भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, तो इसको आप लोग जरूर यूज कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर, ये बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री में, ये जो लॉन्च किया गया था 2015 में, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो उसी डिजिटल इंडिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। देखिए आज की डेट में जैसे हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल ऐसे डिस्कस किए हैं पास्ट में कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आप लोगों को ये तो बताता है कि हम लोग सोसाइटी को डिजिटली आगे लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखिए आज के डेट में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसानों के लिए हम लोग डिजिटली ऐप प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारे किसान नहीं जाते हैं यार ऐप, जानते हैं कि ऐप को कैसे यूज करना है, तो एक तरीके से गैप आ जाता है, यानी कि लास्ट माइल जो डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, ठीक है। इसी के साथ में जो उनको सर्विस प्रोवाइड कराने का कोशिश करते हैं लास्ट एरिया में, मान लीजिए आंगनवाड़ी महिला है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, तो आंगनवाड़ी जो महिला है वो उसको जनता तक पहुंचाएगी, पर लेकिन आंगनवाड़ी महिला की भी खस्ता हालत है, उसको फोकस देकर नहीं चला जा रहा है। तो वायर जो वेरियस जो आज के डेट में जो इंडिविजुअल है जो एड्रेस करते हैं डेली जो नीड है, जो इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस देने की बात की जा रही है। ड्यूरिंग पेंडेमिक काफी ज्यादा खस्ता कंडीशन यहां पर देखने को मिली। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में थोड़ा आप लोगों से बात करूं, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जब वो लॉन्च था मैं टीवी पर देख रहा था, मुझे आज भी वो इवेंट मुझे आज भी याद है। मतलब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और किसी के हाथ में टैबलेट नहीं था वहां पर, मतलब अपनी जो स्पीच बोल रहे थे, इवन जो मुकेश अंबानी साहब भी वो एक पर्चा लेकर आए और उसको रखा और उसको देख देख कर कुछ उन्होंने बोला वहां पर। तो मैंने सोचा, मैंने कहा डिजिटल इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा सा तो डिजिटली दिखाने की कोशिश करते हैं उसको कि भैया कुछ डिजिटली चलने वाला है, पर लेकिन चलिए जो भी है इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे वहां पर। वो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट को हम लोग अपनी कंट्री में बुला लेते हैं चीफ गेस्ट अगर वो यूएसए का, और फिर उसको दिखाते हैं हम लोग क्या, हम लोग उसको रशिया के वेपन दिखाते हैं जो हम लोगों ने खरीद रखे हैं। तो वही वाली कंडीशन थी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं पर पेपर लेकर आ रहे हैं वहां पर चीजों को बोलने के लिए भी, जबकि टैबलेट यूज कर सकते थे आराम से। तो इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में यहां पर ये प्रोग्राम आता है। तो यहां पर जो ई गवर्नेंस है वो उसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि चीजों को ट्रांसफॉर्म करना, जनता तक पहुंचाना, पर एक गैप बन गया है यहां पर आज के डेट में, एक ट्रस्ट नहीं रह गया है। देखिए आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं
कि आप लोगों को कुछ चीजें ऑनलाइन खरीदनी है, हैं? पता चला कि आप लोगों को पर्टिकुलर पर्सन कोई नया, आप लोग उसको जानते भी नहीं है, आप लोगों ने पैसा उसमें लगा दिया, पर्सन गायब हो गया, तो क्या आप लोग कहां पर जाकर देखेंगे? आज के डेट में भी इसलिए हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग जो है ऑफलाइन मार्केट से जाकर सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो इसी के चलते जो ई गवर्नमेंट जो फाउंडेशन है, जो इसके साथ में जो यहां पर ये आपती इंस्टीट्यूट है, ये दोनों के द्वारा ये साथ में आया गया, तो इनके द्वारा यहां पर चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई कि डिजिटली किस तरीके से कई सारी चीजें एक्सक्लूड की जाती है। कम्युनिटी जो इंगेजमेंट है वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर में, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ब्रेक रहता है जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। डिजिटली सारी चीजें देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन में जो इंटरनेशनल लेवल पर बातें कर रहे हैं, डिजिटली बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा था दूसरी कंट्री में जाते थे तो जाकर गले मिलने का मजा ही कुछ और था, उसके बाद में इंसान को फील होता था कि हाँ यार ये इंसान कितना अच्छा है। डिजिटली क्या होता है, दो मिनट बैठकर इधर उधर चल लेते हैं। आज के दिन में आप लोगों को मान लीजिए कोई दुख है, मैं आप लोगों की क्लास में बैठकर अगर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग मेरे से बैठ के बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गले मिलकर रोने का मन करता है पर्सन को, यार कोई ऐसा होना चाहिए जिसको हाथ पकड़ते ही रोने लगते हैं कई बार, मतलब अंदर भरा था उससे हाथ पकड़े पूछो कि क्या हो गया। एक ऐसा ही बंदा था, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए एक मतलब ऐसे कई बार ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जाती है, मैं मार्केट से जा रहा था ऐसे ही फोन पर बात करते हुए, तो ज्यादातर चेहरा तो किसी ने ढंग से देखा नहीं तो पहचान नहीं पाते, तो उसने मुझे वॉइस से पहचान लिया एकदम, तो बोला एकदम वीर सर। तो मैंने बोला यार मतलब मैं थोड़ा सा एक तरीके से इस तरीके से मैं पब्लिक में कहीं जा रहा हूँ, कोई एक तरीके से बिल्कुल उस तरीके से बोले कि सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो वाली चीज़ पता नहीं अनकंफर्टेबल सा कर देती है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ फैन की तरीके से नहीं, हमेशा फ्रेंड की तरीके से मिला करो, ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो वाली चीजें, एक लड़की की बात बताता हूँ, एक दिन मेट्रो में मिल गई, पैर छूने लगी, यार मैं ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं यार, हाथ मिला लो, गले मिल लो, वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, मतलब ये पब्लिकली इस तरीके से। वैसे आप लोग रिस्पेक्ट में समझता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट आती है, पर ऐसा नहीं है कि यार वो वाली चीजें रिस्पेक्ट पैर छूकर ही दी जाती है, ठीक है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है। तो वो पब्लिक में इस तरीके से, खासकर लड़कियां, तो वो वाली चीजें प्लीज उनको रोका कीजिए, वो इस तरीके की चीजें अगर कहीं भी आप लोगों में मिलता हूं वो चीजें मत किया कीजिए। तो वो जो एक तरीके से मिलके जो बातें होती हैं वो आप लोग रोज मुझे सुनते हैं, पर लेकिन एक बार अगर मुझसे मिल लेंगे, मैं आप लोगों से मिल लूंगा, वो वाली चीजें जो है उसमें एक अलग ही तरीके का मजा होता है। वो नहीं यार राहुल गांधी वाला बात, ये मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। तो वो वाली चीजें, तो यानी कि वो एक तरीके से जो टचअप होता है वो एक अलग ही फीलिंग देके जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मम्मी पापा होते हैं, जैसे अगर रोने का मन कर रहा है मम्मी पापा के हाल का, खासकर मम्मी के ज्यादातर देखने को मिलता है कि मम्मी के गले मिलकर मम्मी की गोद में सर रखकर रो लेते हैं, तो वो जो टचअप होता है वो कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो नहीं दे पा रहा है। तो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में वो टचअप नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो इंटरमीडिएटरी हैं, जो काम करते हैं, उनको भी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो आशा वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये सारे इनको भी प्रोग्राम प्रॉपर में सपोर्ट नहीं करता है। इवन कई जगह तो इनको कंसिडर भी नहीं करता है जो ये प्रोग्राम जो कि ग्राउंड लेवल पर पहुंचाते हैं, यानी कि जो जनता तक ये चीजें पहुंचाई जाती है जिस इंटरमीडिएटरी के द्वारा, कई बार तो उसको भी काउंट करके नहीं चलता है, जिसकी वजह से यहां पर कई बार ये बोला जाता है कि ये सही तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है उसके द्वारा इसके लिए यहाँ पर जो सेक्रेटरीट प्रोग्राम, जो इसके लिए यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है उसके लेवल पर सेक्रेटरीट प्रोग्राम यहाँ पर जो है लगभग 16,000 वार्ड सेक्रेटरी यहाँ पर बनाए गए वॉलेंट्री, तो कि डिलीवरी कर सके गवर्नमेंट के एक तरीके से सर्विसेज की, जनता तक उसको पहुंचा सके डोर स्टेप पर। तो सबसे बड़ा तो काम यही करते हैं कि अवेयरनेस फैलाते हैं, दूसरा काम करते हैं कि एबिलिटी जो होती है एक तरीके से इंक्लूड करने की, जो खासकर जिनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, और एक ट्रस्ट बिल्डअप करने का काम करते हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बात की जाए, दिल्ली के अंदर काफी सारे मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम करती है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसी के चलते जो नेचुरल एक्सटेंशन आप लोगों का देखने को मिलता है एक तरीके से जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, ताकि जनता तक चीजें पहुंचाई जा सके और सिटीजन को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जा सके। तो फॉर्मल मैकेनिज्म आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो जो बहुत सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ना आज के डेट में, हेल्थ केयर सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, जस्टिस या फिर सोशल सर्विस जो कि अनिवार्य है, तो उनमें डिजिटल इंडिया जो है वो काम तो कर रहा है, पर लेकिन उनको जो पहुंचाने का काम करते हैं जनता तक, डिजिटली आप लोगों ने बना दिया ये ऐप है भैया यूज कर लो, सामने वाले के पास में डिजिटल फोन ही नहीं है, उसके पास में ऐप वाला फोन ही नहीं है, क्या करोगे आप लोग, चलाना नहीं आता है, अगर है भी तो जैसे तैसे बस फोन रिसीव करना और काटने वाला काम करते हैं। तो ये काम करेंगे फिर इंटरमीडिएटरी, तो उनको काउंट कर आप लोगों को यहां पर चलना चाहिए, ताकि ये सर्विस जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाई जा सके। तो इंटरमीडिएटरी जो है वो अवेयरनेस फैलाते हैं, इंटरमीडिएटरी जो है स्किल और कैपेबिलिटीज एक तरीके से होती है वो यहां पर काम करते हैं अच्छे से। इसी के साथ में जो फ्रेमवर्क है ये एक तरीके से फीडबैक लूप भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये इंटरमीडिएटरी काम करते हैं। तो सपोर्ट यहां पर मिलनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस जो डोमेन तक जो पहुंचानी चाहिए, जनता तक जो पहुंचानी चाहिए, बेस तक जो पहुंचानी चाहिए, वो भी काफी बड़ा यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से आप लोग इनको लेकर चल सकते हैं, ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर है बी सही, यानी कि बी आंसर सही। यहां पर बी आंसर सही है, मतलब जो ये बोला गया है सिनाई पेनिनसुला जो है ये इजिप्ट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला इथोपिया, तो कई बार कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला जो है ये कहने के लिए तो जो इजिप्ट कंट्री है आप लोगों, ठीक है, वो अफ्रीका में देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये वाला इसका पोर्शन जो है ये इसका एशिया में आता है जिसको, ठीक है, यहां पर स्वेज कैनाल आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये गल्फ ऑफ स्वेज हो गया, ये गल्फ ऑफ, ये यहां पर गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, तो ये आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इधर हो गया जॉर्डन। तो ये था मैप बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।